चलिए बताता हूँ, अगर आप सॉरी आपके भी अगर टेलीग्राम पर ऐसा हो चुका है, आप नंबर डाल दे नेक्स्ट नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करे हो, आपको फिर ओटीपी जो नंबर पर आना चाहिए था लेकिन आपको नंबर जो ओटीपी है वो भेजा जा रहा है ईमेल आईडी पर, उस केस में आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है अगर ईमेल दिखा रहा है तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे आपका कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ना ही आपके कुछ भी मैसेजेस डिलीट होंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक नहीं तो भी इसे कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऐसा ऑप्शन हमको क्यों दिखा रहा है। ये ऐसा टेलीग्राम वालों ने ऑप्शन इसलिए कर दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि नंबर पर ओटीपी नहीं आता था, मतलब इन्होंने सर्विस को थोड़ा और मतलब कि इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ईमेल का यूज़ किया है कि अभी ईमेल पर भी ओटीपी है। तो सिंपली आपको कांट एक्सेसरीज ईमेल पर क्लिक करना है, आपको इधर ये वाला मैसेज दिखाना चाहिए। बेसिकली आपको मैं ये समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। सो अभी आपको एक नया ऑप्शन दिखा रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन चेंज योर लॉगिन ईमेल इफ़ यू एन लॉगिन इनटू टेलीग्राम फ्रॉम अनदर डिवाइस, मतलब कि अगर आपके पास किसी और फ़ोन में भी टेलीग्राम अकाउंट लॉगिन है तो आपको वहाँ पर भी ओटीपी भेजा जाएगा, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो उस ओटीपी को डाल के ईमेल के ओटीपी की जगह। अगर वो भी नहीं है तो आपको फिर आपको ना 7 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 7 दिन बाद जो भी ओटीपी है वो फिर आपके ना मोबाइल नंबर पर जाएगा, फिर आप उस नंबर को डाल के सिंपली अपने ईमेल को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात याद रखना, जब भी आप रीसेट करने जाओ आपको हमेशा यही वाला मैसेज दिखाना चाहिए, आपको इसकी जगह डिलीट अकाउंट का नहीं दिखाना चाहिए। जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप एक बार ये चेक कर लेना, फिर पहले चेक करके फिर ही करना सब काम। ठीक है, ऐसा मत ऐसा ना हो कि आपको कोई और दिखाए, अगर आप ये कर बैठो तो आपका अकाउंट ही डिलीट हो जाए। और इसके बाद एक और बात याद रखना कि जो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ तो इस प्रोसेस से आपका कुछ भी मतलब कि डाटा डिलीट नहीं होता है, ना ही अकाउंट डिलीट होता है, ना ही कुछ चैट्स डिलीट होते हैं। तो सेफ ये तरीका है, इसको आप करिए और आपका जो अकाउंट है वो सिक्योरली मतलब कि वापस मतलब कि जो भी ईमेल पर ओटीपी है वो आप उसके बिना ही लॉगिन पर कर पाओगे। अभी आपको रीसेट लॉगिन ईमेल पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है कांट असेस दिस ईमेल, इस ऑप्शन के ऊपर अभी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके अकाउंट पे एक टाइमर लग जाएगा। सो अभी मैं जैसा कि आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं अगेन से सेम प्रोसेस है। अगर अगेन से सेम प्रोसेस है आपको सिंपली लॉगिन ईमेल लॉगिन रीसेट लॉगिन पर अगेन से क्लिक करना, देख सकते हैं आ चुका है ऑप्शन इधर ईमेल विल बी रीसेट इन 7 डेज। इसका क्या मतलब है, जो भी आपने आपकी ईमेल थी ना वो 7 दिन के साथ पूरे 7 दिन लगते हैं, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगी। फिर आपको आप जो भी अपने टेलीग्राम अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो वो आप टेलीग्राम सॉरी नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिस नंबर से भी अकाउंट है उससे आप कर पाओगे। तो ये प्रोसेस एकदम सेफली इस प्रोसेस को करिए, आप बिना डरे ही करिए, आपका कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होगा। और मान लेते अगर आपको कुछ और दिक्कत है आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, आपकी 100% हेल्प करूँगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते 7 दिन का इंतज़ार करना, तो उसके लिए आपको ना टेलीग्राम का प्रीमियम अकाउंट बाय करना पड़ेगा, उस जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक 300-600 रुपये कॉस्ट है। तो ये देखो, अगर तुम 300-600 कॉस्ट देकर करना चाहते तो भी सही है, नहीं तो मेरा यही कहना है अगर आपको फ्री करना आप सिंपली 7 दिन का वेट कीजिए, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना था वीडियो में, यार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कुछ और क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर हर सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। चलिए ओके, बाय यार।